बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ब्लैक पेपर चिकन है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ब्लैक पेपर चिकन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली और इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल को गर्म होने देंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून तक अदरक लहसुन लिया है पिसा हुआ, ये मैं ऐड करी हूँ। थोड़ा सा अदरक लहसुन को पकने देंगे। ये अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैंने ज़रा सा भून लिया, ज़्यादा नहीं भुना है, वाइट ही है। और इसमें अब मैं ये 1/2 kg चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। ये अभी इस तरह से चिकन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया चिकन हमारी। अब इसमें मैं ये 1 प्याली दही ऐड कर रही हूँ। ये 1 प्याली या 250 ग्राम तक आप दही ले लीजिए। दही के पानी में चिकन को पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन ये दही के पानी में अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें मैंने ये नमक ले लिया। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। चिकन को भी इसी तरह से दही के पानी में गलने के लिए रख देंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाता है, उस वक्त तक चिकन को पकने देंगे। ये अब दही का पानी खुश्क हो गया है और मैं इसे तेज़ आंच करके अच्छी तरह से चिकन को मैं भून लेती हूँ ताकि पानी इसका दही का बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये दही का पानी अब खुश्क हो गया है और मैं इसे अच्छी तरह से और भून लेती हूँ ताकि दही अच्छी तरह से पानी जो है इसका ड्राई हो जाए। देखिए पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया। अब इसमें ये काली मिर्ची कुटी हुई, मोटी मोटी सी है ये कुटी हुई, ये मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। काली मिर्ची फ्रेश ही कूटिएगा जिस वक्त बनाना हो। काली मिर्ची डालने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेश काली मिर्चियों की। इसी तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मैं ये फ्रेश क्रीम ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। आँच बिल्कुल हल्की रखेंगे। अगर आपके पास घर की बनी हुई बालाई है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँ। हरा धनिया सिर्फ गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हल्का सा हरा धनिया डाल दी के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं बंद कर देती हूँ उसकी गैस। तो अभी वैसे ये ब्लैक पेपर रेडी हो गई है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त वाइटल वर्ल्ड किचन से। अल्लाह हाफिज़।